हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर नंबर 15 है। अब इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए थे, जिसमें से हम लोग लॉ ऑफ मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो दोस्तों, आज लॉ ऑफ मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट है, जो कि न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है। हम लोग इसमें ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन साहब ने क्या क्या नियम दिए थे और ये क्या है, और इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का यह लेक्चर काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरी अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों, लॉ ऑफ मैकेनिक्स में हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ लिया था। तो दोस्तों, अब हम लोगों को पढ़ना है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, और आज ही हम लोग भी जानेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्स। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे दोस्तों कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्स, फिर अगले लेक्चर में देखेंगे दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी, उससे अगले वाले लेक्चर में देखेंगे दोस्तों हम लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ होता क्या है आखिरकार। तो इसका एक बार हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट स्टेट डैट, मतलब कि यह कहता है, क्या कहता है दोस्तों, कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विथ ईच अदर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। कहने का मतलब यह दोस्तों, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, मतलब कि दोस्तों अगर कोई एक वस्तु है तो वह दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट करती है, मतलब कि किसी न किसी फोर्स के जरिए एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के अट्रैक्ट करती है किसी या किसी फोर्स के द्वारा। और जो होता है दोस्तों कि जो फोर्स होता है उन दोनों मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब दोस्तों क्या, कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और कहता है दोस्तों कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, जो फोर्स होता है दोस्तों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा देखिए एक ऑब्जेक्ट है M1 मेरा दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरा M2 भी एक ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो मेरा R है, और इन दोनों दोस्तों एक दूसरे को F फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब एक F फोर्स से, मतलब F नाम का एक फोर्स है जिसके जरिए इन दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एफ होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स करने का मतलब दोस्तों कि इस जो बॉडी है इसके सेंटर से ही ये अट्रैक्ट होगा। अगर दोस्तों ये दोस्तों इस डायरेक्शन में भी तो अट्रैक्ट हो सकता था, इस बॉडी से इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, इस डायरेक्शन में भी तो हो सकता था अट्रैक्ट, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों? कि यहाँ पर सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है। सेंट्रल फोर्स करने का मतलब ही होता है कि सेंटर ऑफ द मास से अट्रैक्ट होना किसी बॉडी, तो उसी को दोस्तों हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। यहाँ जो एफ होता है दोस्तों वह सेंट्रल फोर्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू से क्या पढ़ दोस्तों, जो दो बॉडी होता है, बॉडी का जो मास होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों फोर्स। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 एंड, और हम क्या बोले थे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। कहने का मतलब कि एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, लिख सकते कि नहीं लिख सकते दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग जो 1/r लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर बोला है तो यहाँ पर r स्क्वायर कर देंगे। चलिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट को हम और डील करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात आप लोग याद रखिएगा, जितना ऑब्जेक्ट दूर रहेगा उतना ही फोर्स कम लगेगा। आप नोट पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट को, जितना ज़्यादा दोस्तों ऑब्जेक्ट दूर रहेगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, और इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स लग रहा है, अगर हम इन ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को हम इतना पर ले आए तो फोर्स और कम लगेगा, और हम इधर ले आए तो फोर्स और कम लगेगा, मतलब कि हम जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स उतना ही कम लगेगा। तो दोस्तों, अगर डिस्टेंस 3 गुना है तो फोर्स कितना गुना होगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर डिस्टेंस हम इन दोनों के बीच में 3 गुना रख रहे हैं और क्या है दोस्तों कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो हम 3 गुना अगर डिस्टेंस रखें तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 9। तो ये जो फोर्स लगेगा दोस्तों वो 9 गुना कम लगेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। तो अगर दोस्तों आप बताइए कि अगर डिस्टेंस 2 गुना रहे तो फोर्स कितना गुना कम लगेगा? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको स्क्वायर कर देना है तो 4 गुना कम लगेगा। तो आई होप दोस्तों आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो देखिए दोस्तों, ए बराबर क्या था दोस्तों, ए बराबर था M1 इंटू M2 और
m1 इंटू m2 था दोस्तों, और f बराबर क्या था दोस्तों, तो 1 बाई r स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं दोस्तों कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 इंटू r स्क्वायर, क्योंकि यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सब इतना लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ये जो प्रोपोर्शनल साइन होता है, जो कि इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट जी का प्रयोग करते हैं, और ये जो जी होता है दोस्तों, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मतलब ये जी का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो हर जगह सेम होता है। हम इसमें और डील करते हैं दोस्तों कि जो स्मॉल जी होता है दोस्तों, उसका वैल्यू दोस्तों चेंज, जो स्थान के अनुरूप उसका वैल्यू चेंज होते रहता है, लेकिन जो कैपिटल जी होता है दोस्तों, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों बात यहाँ पर यही है कि जो कैपिटल जी होता है, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, और स्मॉल जी का वैल्यू दोस्तों चेंज होते रहता है, जो कि स्मॉल जी का जो वैल्यू रहता है दोस्तों, वह 9.8 मीटर इंटू सेकेंड होता है, और कैपिटल जी का दोस्तों जो वैल्यू होता है, वो 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से दोस्तों ये सब वैल्यू आप लोग याद रख सकते हैं, जो कैपिटल जी का वैल्यू होता है और स्मॉल जी का वैल्यू दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको f बराबर जी इंटू m1 इंटू m2 इंटू r स्क्वायर, या दोस्तों आपका न्यूटन साहब ये फार्मूला आपको दिए थे, इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। तो हियर जी इज क्या है दोस्तों, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, बता चुके हैं दोस्तों, यह प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, एंड इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कहा दोस्तों, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब कि हर जगह ये इसका वैल्यू सेम रहेगा। अब चलिए दोस्तों, आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट सपोज दोस्तों कि यहाँ पर दो वस्तु है, मतलब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट का जो मास है दोस्तों वह 2 kg है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास है दोस्तों वह 10 kg है, और इन दोनों के बीच का जो दोस्तों जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो आपको फाइंड यह करना है कि यह जो ऑब्जेक्ट है, इस वाले ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से घींचेगा, मतलब कितना फोर्स से यह दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना दोस्तों, हम फार्मूला से पढ़ें कि F बराबर क्या होता है। तो F बराबर क्या होता है दोस्तों, तो कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 और बटे में आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी का वैल्यू दोस्तों कितना आता है, तो 6.673 इंटू 10^-11, और जो पहला बॉडी का मास कितना था दोस्तों, तो m1 था, और सॉरी दोस्तों, पहला बॉडी का मास कितना था दोस्तों, तो 2 kg था, और दूसरा बॉडी का मास कितना था दोस्तों, तो 10 kg था, और डिस्टेंस कितना है दोस्तों तो इन दोनों के बीच में, तो 2 मीटर है। तो यहाँ से 2 × 10, और यहाँ से हम यहाँ पर 2 मीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 लिख देंगे, पहला ऑब्जेक्ट का मास और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हम 10 लिख देंगे। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2 × 10 × 20, और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4। और इसको आप लोग सिंपली केसियो वाला कैलकुलेटर जो आता है दोस्तों, हम बता चुके हैं, वो वाला खरीद लीजिए, उस वाले कैलकुलेटर में इतना का वैल्यू पुट करिएगा, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। इतना आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर 3.3365 × 10^-10, आपको जो भी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पर हम इसका यूनिट नहीं लिखे दोस्तों, आपको इस यूनिट आप लिख लीजिएगा, आपको इतना आंसर आ जाएगा। तो ये कि किसका वैल्यू आया दोस्तों, तो ये आपका ये जो फोर्स लग रहा है, इसका वैल्यू आया। तो आई होप दोस्तों, ये बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न था, आपको ये सब के बारे में आता ही होगा। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हाई लेवल का। देखिए दोस्तों, ये दो शेप है, आई मीन दो स्पाइरल है दोस्तों ये दो, और इन दोनों का जो है ना दोस्तों, ये सेंटर से इतना आर है, और ये सेंटर से ये दोस्तों आर है, ठीक है। और लेट सपोज दोस्तों, इसका मास नहीं दिया हुआ है, तो हम लेट मान लेते हैं कि मास बराबर क्या है मेरा, एम है, और इसका डेंसिटी जो होता है दोस्तों, वो मान लेते हैं क्या है, तो मेरा जो डेंसिटी का जो साइन होता है वो है मेरा डी, मान लीजिए। तो फाइंड द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ दीज टू स्पायरल बॉडी। तो ये बताना यह है दोस्तों कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है वो कितना है, उसका वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों हमको एफ बराबर हमको मास का वैल्यू चाहिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका मास का हमको वैल्यू चाहिए। सो तो दिया हुआ है नहीं दोस्तों, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले मास बराबर हम लोग को जानना था, मास बराबर क्या होता है दोस्तों, तो डेंसिटी इंटू वैल्यू। तो ठीक है, तो शेप कैसा दोस्तों, तो स्पाइरल है, तो आपको मालूम हो दोस्तों कि वैल्यूम ऑफ स्पाइरल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 4 × 3 πr³ होता है दोस्तों, 4 × 3 πr³ किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल। और यहाँ से दोस्तों डेंसिटी का जो हम साइन माने थे वहाँ से यहाँ लिख देंगे, तो आपको आ जाएगा दोस्तों एम बराबर डेंसिटी इंटू 4/3 πr³। तो ये दोस्तों आपको आ गया एम बराबर, मतलब कि किसी एक ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ये वाला ऑब्जेक्ट का मेरा एम बराबर वैल्यू आ गया डेंसिटी इंटू 4/3 πr³।
अब दोस्तों सिंपली हम ए बराबर फॉर्मूला लगा देना है जी एम वन इंटू एम टू इंटू आर स्क्वायर। तो जी का वैल्यू जितना है दोस्तों उतना हमको लिख देना है, जो भी है अभी नहीं लिखेंगे जी। और दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ एम वन और एम टू, तो एम वन का दोस्तों हमको वैल्यू कितना आया है अभी लिखा दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो और एम टू का भी उतना ही आएगा दोस्तों क्योंकि सेम है, तो जितना एम वन का वैल्यू आएगा दोस्तों उतना एम टू का आएगा। तो एम वन का जितना वैल्यू आया उसको स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों मतलब कि एम स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, जितना एम वन का वैल्यू उतना एम टू का वैल्यू है, तो दोनों का हम एम का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर एम बराबर मेरा जितना वैल्यू आएगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ से मेरा जो आर बराबर है तो ये आर है, यहाँ से आई आर है तो ये आर, और आर 2R हो जाएगा, और 2R का हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा मतलब कि ये नीचे वाला हो जाएगा दोस्तों मेरा। तो अब दोस्तों हमको इसमें सिंपली यह करना है कि हमें क्या चाहिए दोस्तों, तो हमें आर बराबर मिलनी चाहिए। आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि आपको आर 4 ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा मतलब कि आर 2, और थर्ड ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों आपको मान लीजिए 1/r। सॉरी दोस्तों हम यहाँ पर ऑप्शन देना भूल गए थे, तो आप ऑप्शन हम यहाँ पर अभी दे चुके हैं, और 1/ मतलब जी R3 है वो, ये मेरा तीन ऑप्शन चार ऑप्शन है। तो हमको ऑप्शन से सिंपली चलना है कि ऑप्शन में क्या दे रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन में सिंपली हमको आर वाला पोर्शन को रखना है। तो जो जी है दोस्तों उस जी को हम अभी फिलहाल के लिए निकाल देंगे, मेरा जी जितना भी, हम जी को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, डेंसिटी को भी कंसिडर हम नहीं करेंगे, टू को भी कंसिडर नहीं करेंगे, 4/3 पाई है उसको भी कंसिडर हम अभी नहीं करेंगे। हमको मिलने क्या चाहिए, तो हमको ये जो R3 है उसको चाहिए, और यहाँ पे R का जो स्क्वायर हो रहा है उसको चाहिए। तो सिंपली हमको यहाँ पर दोस्तों R³ और इनका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर लिख देंगे, और नीचे जितना भी आ रहा है दोस्तों हमको R² तो R² कर देंगे। तो यहाँ से हमको आ जाएगा दोस्तों R^6/R^2। तो यहाँ से हमको सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो R^4। आप लोग सोचिएगा दोस्तों हम लोग इसको क्यों नहीं लिखे है, तो हम लोग को दोस्तों ऑप्शन चलना है, ऑप्शन में हमको सिंपली रेडियस का ही ना जिक्र हो रहा है, तो हम सीधे रेडियस वाले ही पोर्शन को उठाएंगे, बाकी इस वाला पोर्शन को हम अभी छोड़ देंगे। अगर हमको सिंपली एफ का वैल्यू निकालने के लिए बोलता तो हम यहाँ पर एफ का वैल्यू निकालते कि कितना फोर्स लग रहा है। अब दोस्तों वो भी निकाल सकते हैं, आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप सीधे जी का वैल्यू पुट करते और यहाँ से दोस्तों आप इसे सॉल्व करते तो आपको वो भी आंसर आ जाता, लेकिन आपको ऑप्शन से बेसिकली आपको जो आर के संदर्भ में ही आपको आर फाइंड करना था। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ना है, लेकिन हाँ दोस्तों एक और बात यह है कि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फोर्स हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाइए सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्स, उसमें हम अच्छे से क्लियर कर चुके थे। तो आपको उस वीडियो का जो लिंक होता है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं। तो बस फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप वीडियो सीरीज को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लर्न हो और इससे उनका भी बेनिफिट हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहे इस वीडियो सीरीज को, धन्यवाद।